पर वो गिरफ्तारी हो सकता है कि इस छापे की इतला उन्हें पहले ही मिल गई हो और वो यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए। कार के ये पावर हाउस था, स्कैंडल था जो कि अरबों रुपये का स्कैंडल था और सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत भी थी, इसमें पेनल्टी भी हो गई थी। तो ये इस हवाले से आज नैब छापा हमारा, ये नैब के भी गाड़ियाँ हैं, नैब के ऑफिशल जो हैं वो अभी यहाँ से जो है वो वापस जो है रवाना हो रहे हैं। सर्च वारंट उनके पास थे, अदालती वारंट के साथ जो है वो नैब की तफ्तीशी टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन एक घंटा जो है उन्होंने सर्च किया। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी है, इस्लाम और ये आ रहा कि कैमरा मैन नाकामी का सामना हुआ है, गिरफ्तारी कोई नहीं हुई। आए किए मुझे मैडम थोड़ा आप आगे चलिए। अच्छा ठीक है, पूछा कुछ तलाशी वगैरह सर्च में? मैं तो खुद एज ए विजिटर इधर गेस्ट अपने आया हूँ, मेरा दर्शन हो गया। अच्छा अच्छा, वो आया अपना हाउस सर्च किया, उन्होंने बड़ा थरोली हर चीज़ को सर्च की है, लेकिन वो रसीद देख के देखे कि यहाँ में कुछ नहीं मिला और हम कुछ नहीं लेके जा रहे तो वैसे वो एक नहीं तो रिकॉर्ड वगैरह नहीं लेकर गए यहाँ से किसी किस्म का, तो कोई है ही नहीं ऐसी चीज़ कि अपना उन्होंने जो तलाशी करना था। हमने कहा अगर आप जाना चाहें अलमारियाँ बच्चों के कपड़े सारे कुछ देख लें, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ होती तो लेकर जाते। क्या गया था, हमें क्या चीज़ चाहिए? बेसिकली हम उस्मान साहब का जो है ना अरेस्ट वारंट लेकर आए थे, उनके जो भगवान की रेजिडेंसी भी नहीं हुई थी, उसमें हमने कहा अरेस्ट वारंट पर आप देखें और अपना चले गए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम उस्मान है। थैंक यू चैलेंज, थैंक यू भैया।